sample paper we are going to discuss, right? First question. First question is, Rima took 5 ml of lead nitrate solution in a beaker and had approximately 4 ml of potassium iodide solution in it. Ye to already you know, lead nitrate and potassium iodide. ठीक है, but should she observe yellow precipitate? Options say solutions turns red, yellow precipitate are formed, white precipitate are formed and reaction mixture become hot. So हमारे पास yellow precipitate. Identify the gas, जो हाइड्रोजन गैस वाली होती है वो मैं ये रहने देती हूँ. हमें पता है कि when we will bring the burning matchstick near to it, if it produces the popping sound, then which gas is there? ठीक है. Third question है, metal. I think we already discussed this type of question. Metal salt plus gas. यहां डाइल्यूट HCl, सॉरी डाइल्यूट HCl, राइट. नाउ दे आर सेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट. इसी के ऊपर कौन से कॉम्बिनेशन करेक्ट है. कॉम्बिनेशन में यहां लिख रही हूं, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, गैस इवॉल्व. यहां पे यस यस नो यस. Which combinations are correct? This question is based on what? Very nice. Reactivity series. ठीक है. तो copper hydrogen के नीचे होता है, नहीं copper. उन्दी cute, cute नीचे आ गया है. That means ये डाइल्यूट HCl हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, तो ये तो होगा नहीं, राइट. आयरन ऊपर, दैट इज अ रिएक्टिव, तो इट विल शो द रिएक्शन, गैस विल रिलीज, ओके. मैग्नीशियम के केस में वो कह रहा है गैस नहीं रिलीज होगी, तो ये भी क्रॉस ही हो गया. जिंक के केस में होगी, कैलरी नहीं, कैल्शियम मांगे, ऑल टाइम जिंक के फैन, तो जिंक भी ऊपर, रिएक्शन रिलीज होगी, होगी. यहां पे नहीं हुई बिकॉज हाइड्रोजन के नीचे है कॉपर, सो ये कॉम्बिनेशन, दीज आर करेक्ट आंसर. क्लियर? ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. आई एम राइटिंग, जस्ट चेक इट आउट. I'm not writing that solid liquid, नहीं लिख रही मैं. देखो कौन सी सही है, कोई पहली कह रहा है, कोई दूसरी कह रहा है, चेक करो.
करेक्ट, पता नहीं है। सेकंड कह रहे हो, चेक कर ले। थ्री आयरन, फोर टू जर एट हाइड्रोजन, फोर ऑक्सीजन, फोर ऑक्सीजन। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, जस्ट चेक द ग्राफ। इफ यू आर सीरियस इन दिस लाइक रिवीजन टाइम ना, तो यू कैन अटेम्प्ट पेपर। आई थिंक वी ऑल्सो डिस्कस दिस क्वेश्चन ऑल्सो। याद है? ठीक है, क्वेश्चन सुनिए। दे आर सेइंग द ग्राफ गिवन बिलो डिपिक्ट्स द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मींस एसिड्स एंड द बेसिस व्हेन दे कंबाइन एंड फॉर्म द सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे सॉल्ट की वैल्यू कहाँ है? 7 है, यानी कि यहाँ तक है ना। अब वो कहते हैं सॉल्ट प्लस वाटर द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस एज वी ऐड एक्सेस ऑफ एसिड टू एन एल्कली। जब हम एसिड डाल रहे हैं एल्कली में, विच लेटर डिनोट्स द एरिया ऑफ द ग्राफ वेयर बोथ एसिड एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट। बोलो कैसे, रीजन दो मुझे साथ में। वेयर बोथ एस, क्या क्वेश्चन था? वेयर बोथ एसिड एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट, कौन सा वो ऑप्शन? डी। क्यों? क्योंकि सॉल्ट बन गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सॉल्ट यहाँ पे बन गया, सॉल्ट के बाद एसिड भी प्रेजेंट हो, तो एसिड वॉल्यूम ऑफ एसिड एडेड हो रहा है यहाँ पे, तो विच ऑप्शन इज द राइट? ठीक है, बेस एंड एसिड आर प्रेजेंट, वो क्या सी है? नहीं वैसे, क्योंकि चेक करना है आपने, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है सी के, बिल्कुल साफ। 7 इज अ न्यूट्रल, वहां पे नहीं है, तो वी विल नॉट राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन ऑफ आयरन विद द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये तो आई थिंक आता होगा, बट जस्ट चेक। ठीक है, which option of the table correctly substance oxidized and reducing? यहाँ पे displacement नहीं है, substance oxidized and reduced, oxidized and reducing agent। पूरा बना के देख लो। कहाँ हो रहा है एडिशन और रिमूवल? यहाँ पे आयरन अकेला है, यहाँ पे क्या हो गई? ऑक्सीजन ऐड हो गई। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मींस ऑक्सीडेशन, तो जहां ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होता है? आंसर क्या हो गया फिर? समझ आया कि नहीं? अगर नहीं क्लियर, यू कैन आस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन, कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज, कौन सी है? ऐसे ही बता दो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट पेरेंट एसिड एंड द बेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? कैल्शियम कार्बोनेट का पेरेंट एसिड और अ बेस बताना। कैल्शियम कार्बोनेट का आपने बताना है पेरेंट एसिड एंड अ बेस। इसमें आपके पास ऑप्शन है, ये जिसको नहीं क्लियर हो रहा वो पहले पूछ लो।
What is the meaning of the parent acid and the parent base? एवे बैठे हो पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस मतलब जिससे बना है और जिस बेस से वो बना है उसमें दोनों कौन से। अब इसमें कैल्शियम कार्बोनेट में पेरेंट एसिड कौन सा, नेचुरली सीएल तो है ही नहीं है पहले की है तो वैसे यहां से देख के तो सीधे क्लियर हो रहा है, अदरवाइज क्वेश्चन ट्रिकी हो सकता है। वी कैन गिव द मल्टीपल चॉइसेस, यहाँ पे दो जगह पे ये लिखा हो सकता है H2CO3, यहाँ तो लिखा ही एक जगह है तो इट इज ऑटोमेटिकली क्लियर हो रहा है कि H2CO3 क्योंकि यहाँ पे CO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक कंपाउंड में एसिड और बेस कहाँ होता है, बताया था अन्या? बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, देखो NaCl ठीक है कहां से बना ये, तो ये कहां से आया और ये समझ आया। अब यहां पे ये चीज कहां से ली होगी, तो ये कहां से ली होगी, H2CO3 और बेस कहां हो गया, कैल्शियम आयरन। समझ आया कि भी नहीं आया दोबारा बताओ, मैंने कहा वो किससे बने हैं तो उसमें आपने देखना है कौन सा एसिड और कौन सा बेस। मैंने ये एग्जांपल लिखा NaCl, दैट मींस NaOH plus HCl है ना, एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये NaCl में बेस का प्रोडक्ट कौन सा है और एसिड का प्रोडक्ट कौन सा है, मतलब कहां से इसका पेरेंट एसिड और बेस क्या है, ये कहां से लिया, Na कहां से लिया, NaOH से, Cl कहां से लिया, एसिड से। ठीक है ना, तो यहां पे क्या हो गया, यहाँ पे भी यानी कि ये बेस का और ये एसिड, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड बाय डाइल्यूटिंग अ कंसेंट्रेटेड एसिड बाय एडिंग एसिड टू द वाटर। ठीक है, बाय एडिंग एसिड टू द वॉटर, बाय वी आर एडिंग एसिड टू द वॉटर, स्प्लैश आउट, इट स्प्लैश आउट बिकॉज ऑफ द हाईली एक्सोथर्मिक, इट रिलीज हीट विल बी रिलीज एंड इट विल स्प्लैश आउट ऑन आर फेस। बट इज वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्यों हम बैलेंस करते हैं, टू जस्ट टू चेक आउट कि कितना प्रोडक्ट और कितना रिएक्टेंट है, वी विल सी द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देन ये भी हमने करा था, चलो दोबारा रिवाइज करो, सेम क्वेश्चन है, वी ऑलरेडी डिस्कस पेरेंट एसिड एंड पेरेंट बेस वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मैं एक और करवा दूंगी सो दैट क्लियर हो जाए कि कहां से, बट अदरवाइज अब आपको समझ लग गया कि एसिड पीछे वाला है, बेस पहले वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ऑलरेडी वी डिस्कस्ड, मुझे आंसर देना है अब आपने, लाइमस्टोन हीटेड फर्स्ट स्टेप हो गया, एक्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड स्लेक लाइम, स्लेक लाइम का फार्मूला क्या होता है रोक्सी, आपका सबका नाम रोक्सी, स्लेक लाइम का, स्लेक लाइम का दूसरा नाम क्या है, लाइम वाटर, लाइम वाटर मीन्स H2O, तो इसका फार्मूला क्या हुआ, क्विक लाइम का क्या होता है, स्लेक लाइम CaOH2 और कार्बोनेट CaCO3, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ठीक है राइट, लाइमस्टोन। अब CaCO3 को व्हेन आई विल हीट इट तो व्हाट विल फॉर्म, CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यहां से एक CO2 अलग हो गया और एक ऑक्सीजन इसके साथ,
CaO. अब जब इसमें मैंने वाटर डाल दिया CaOH, राइट right? अब क्वेश्चन क्या था वो देखते हैं, ये जस्ट अपना अपना रिवाइज किया कि कॉन्सेप्ट क्या है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द टेबल, द टाइप ऑफ रिएक्शन अकरिंग इन द स्टेप वन एंड स्टेप टू। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पूछ रहे हैं, स्टेप वन ये है, स्टेप टू ये है, कहाँ पे एक्सोथर्मिक हुई और कहाँ पे एंडो। स्टेप वन में क्या है, एंडो क्यों, यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं, हीट इज गिवन, तो एंडो, यहाँ क्या हुई, हीट रिलीज हुई, तो बट इट विल बी एक्सो। क्लियर, ये भी क्वेश्चन करा था आई थिंक, बट ये वैल्यूज नहीं है, ग्राफ है, ग्राफिकल क्वेश्चन। दे आर सेइंग लाइक व्हिच ईयर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज द हाईएस्ट, तो वो ग्राफ गिवन होगा, तो ईयर देख लोगे एंड यू विल सी कि कहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है। नेक्स्ट भी हमने करा हुआ है, जो जिंक प्लस डिल्यूट HCl टेस्ट ट्यूब में लिए थे, और मैग्नीशियम जो है दैट फ्लोट्स ऑन द सरफेस, करा था ना, टेस्ट ट्यूब में लिए थे जिंक HCl, मैग्नीशियम HCl, आयरन HCl, कॉपर HCl, मैग्नीशियम ऊपर फ्लोट करता थोड़ा सा, कैल्शियम भी करता है, मैग्नीशियम भी, मैंने तब भी बताया था मेनली कैल्शियम बट मैग्नीशियम समहाउ। नेक्स्ट आयोनिक बॉन्ड के ऊपर है, ये वाले आपने करे हैं, ये बताओ, ये भी करा था, विने ऑब्जर्व दैट द स्टेन ऑफ कड़ी ऑन अ वाइट शर्ट बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप इज स्क्रब्ड ऑन इट, बट इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द शर्ट इज वॉश्ड विद अ प्लेंटी ऑफ वाटर, बट माइट बी द रीजन फॉर हिज ऑब्जर्वेशन। सोप में केस होता है और बाय उसकी वो शर्ट जो ब्राउन क्यों हो जाती है, पहले ब्राउन क्यों होती है, उसकी कपड़े पे कड़ी का निशान लग गया, देन इट वॉश्ड, देन इट स्क्रब, देन इट बिकम्स अ रेडिश ब्राउन, क्यों। टर्मरिक में, तो टर्मरिक क्या है, नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है, तो दैट विल गिव्स द कलर। आफ्टर दैट व्हेन वी आर एडिंग द प्लेंटी ऑफ वाटर, तो हम उसको रिमूव कर रहे हैं, एंड देन अगेन द शर्ट विल बिकम, वो जो कलर है स्टेन जो है दैट इज अ येलो। तो इसमें से उसने पूछा है कि कौन सी ऑप्शन सही है, रीजन फॉर हिज ऑब्जर्वेशन, सोप इज एसिडिक, ये तो क्रॉस ही कर दो, सोप इज बेसिक, राइट, सेकेंड ऑप्शन इज राइट, टर्मरिक इज नेचुरल इंडिकेटर विच गिव्स रेडिश थिंग्स इन द बेसिस, ठीक है, ये अगली थी, टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर विच गिव्स रेडिश थिंग्स इन एसिड, वो गलत, यानी कि सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अगला भी हमने करा था कि उन्होंने बैटरीज लगाई हुई है बीकर में, एंड दे आर टेकिंग इन द वन ऑफ द बीकर दे आर टेकिंग डिल्यूट HCl, दूसरे में शुगर सोल्यूशन, तीसरे में एल्कोहल, फोर्थ में लाइम वाटर, तो कहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा और कहाँ नहीं करेगा, HCl में करेगा, क्यों, हाइड्रोजन आयंस रिलीज होंगे, शुगर सोल्यूशन में क्यों, इट डिड नॉट डिसोसिएट, एल्कोहल डिसोसिएट होता है, शुगर एंड एल्कोहल दोनों डिसोसिएट, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए वो शुगर की जगह पे आपको ग्लूकोज लिख के दे सकते हैं, गेटिंग माय पॉइंट, शुगर की जगह पे ग्लूकोज की जगह पे आपको कुछ इस तरह से स्टार्च दे दे, कुछ ऐसा वर्ड, तो दैट इज ऑल्सो हैविंग द शुगर इन इट, तो वो नहीं, सॉल्ट तो है ही है, सॉल्ट थोड़ी नहीं करेगा, सॉल्ट डाल के करते हैं ना, क्योंकि आयंस डिसोसिएट हो जाते हैं, सॉल्ट करता है, एसिड्स करते हैं, बेसिस करते हैं, ठीक है, देन द बल्ब विल ग्लो, क्योंकि जब हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर है, देन वी आर एडिंग अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन इट, तो वो हम उसको उसकी इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से द बल्ब विल ग्लो, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी पॉसिबल। फ्रेश मिल्क असर्शन रीजन, फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडेड टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड, राइट, ठीक है, फ्रेश मिल्क में बेकिंग सोडा डाला जाता है तो वो सेट एज अ कर्ड टाइम लेती है, दही जमाने में टाइम लगी, इज इट ओके। रीजन, बेकिंग सोडा डिक्रीजेस द पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क टू बिलो 6, वो बढ़ाएगी, क्योंकि मिल्क में क्या था, लैक्टिक एसिड, तो बेकिंग सोडा ने क्या किया, इंक्रीज करा उसको, है ना, तो वो ये वाला रीजन इज
False. Assertion is true. Reason is very nice. Decomposition of vegetable matter into compost is an endothermic reaction. ये पता है? नहीं पता. जब भी हम कंपोस्ट बनाते हैं, सिक्स में भी हमने करा था वर्मी कंपोस्टिंग एंड ऑल दैट, जब हम उसमें बनाते हैं हीट बाहर आते हैं क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह व्हेन दे विल एक्ट ऑन इट तो ह्यूमस प्रोड्यूस होगी जिसकी वजह से वो बाद में चीज क्या हो जाती है, हीट, गर्म. तो वो एक्सोथर्मिक है, वो एंडो नहीं है. आपने उसको हीट नहीं दी, हीट विल कम आउट. एंड देन द डीकंपोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेक डाउन ऑफ द सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिंपलर. ये सही है. डीकंपोजिशन रिएक्शन ब्रेक डाउन ऑफ द वन टू द सिंपलर ना, ये सही है. असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज. फाइव एलिमेंट, अ फ्यू एलिमेंट्स हैं विद एसिड्स एंड द बेसिस टू इवॉल्व हाइड्रोजन. उन्होंने लिखा है ए बी सी डी, चार दिए हुए हैं जिसमें से ऐसे दिया है ए बी सी डी, एसिड और ये बेस. वो पूछ रहे हैं विच ऑफ दीज एलिमेंट्स फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड. Because they will both the reaction with the show the reaction with the acid and the bases. ठीक है, enough. Okay बेटा.